नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उपस्थित हैं झारखंड के एक ऐसे संस्थान में जहां पूजा तो की ही जाती है, साथ में आम जनों को विज्ञान के प्रति जागरूक भी किया जाता है। जी हां, वह संस्थान का नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक कुटरी बोकारो। इस बार के आयोजन का यहाँ का मुख्य थीम है सेव वाटर सेव लाइफ। आगे के उस पोस्टर में जल से संबंधित कुछ स्लोगन दिए गए हैं जो जल से पूर्णतः संबंध है। इसमें लिखा है, सुरक्षित करें वर्षा का जल, सुखमय होगा हमारा कल, और जल है अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। पेड़ पानी और हवा जीवन की अनमोल दवा। जी हाँ, पेड़ पानी और हवा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि यह लुभावना भी है, अतः हमें पेड़ रक्षा का भी कार्य करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वस्थ भारत का योजना हमेशा लोगों के याद रहे और वे देश के प्रति जागरूक रहें, इसके लिए यह पोस्टर बनाया गया है। और भारत का यह मानचित्र लोगों को अग्रिम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता है। और यह पोस्टर बनाया गया है जल के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें बताया गया है कि जल का प्रत्येक बूंद महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है, और प्रत्येक बूंद को बचाना हमारे हाथ में है। लिखा है, सेविंग वाटर इज इन आवर हैंड। और यह पोस्टर हमें इंडियन आर्मी को प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित करती है, और यह प्रतीक हमें शांति का भी प्रतीक दिखाई देता है। डोरेमोन का यह चित्र बच्चों को बहुत ही लुभावना लग रहा है और वे इसे बार बार देखते जा रहे हैं। और आगे बनाया हुआ रंगोली सोशल मीडिया पर बनाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और बनाया हुआ यह जल का बूंद लोगों को जल संरक्षण के प्रति दिखाई देता है। कोल माइंस का बना हुआ यह प्रारूप इसलिए बनाया गया है क्योंकि संस्थान चूंकि झारखंड में अवस्थित है और झारखंड में कई खनिज संपदा भी अवस्थित हैं, और इसे खनिज संपदा का राज्य के लिए भी जाना जाता है। और उन खनिज संपदाओं में कोयला का महत्वपूर्ण स्थान है, और कोयला झारखंड के कोयला नगरी में पाया जाता है, धनबाद में पाया जाता है। धनबाद के कुछ अंग ऐसे हैं जहाँ पर कोयला भूमिगत रूप से अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और कोई नई तकनीक का विकास का भी आवश्यकता है। चूंकि झारखंड खनिज संपदा में अग्रणी है, अतः हमने इसके द्वारा खनिज संपदा को दिखाया है। और यह रंगोली भी हमें बहुत अच्छी लुभावनी दिख रही है। और आगे बनाया हुआ यह स्टैचू झारखंद के विकास का द्योतक है, चूंकि झारखंड में अभी विकास का रफ्तार चल रहा है और यहाँ मोमेंटम की तरह झारखंड का विकास चल रहा है, अतः हमें झारखंडी होने पर गर्व है और हम जल्द ही झारखंड का एक अच्छा नाम होगा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। चूंकि दीपक हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अतः यह भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे समाज का। और आगे बना हुआ है एक, और हमें स्वागत कर रही है पूजा के पंडाल में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ का पंडाल तकनीकी है और इसे बनाया है यहाँ के भावी अभियंता ने, जो कि एक बोट है। पिछले वर्ष 2017 में यह मॉडल आर्मी को सम्मान में बनाया गया था, जो एक आर्मी टैंक था। वहीं 2016 में यह एक एरोप्लेन था, जिसे हमने प्रौद्योगिकी को प्रस्तुत करने के लिए बनाया था। चूंकि यह बहुत ही तकनीकी है और हमेशा यहाँ तकनीक का प्रयोग करके ही मॉडल बनाने का प्रयास किया जाता है। पूजा और हमें समाज और संस्कृति से जोड़ती है एवं हमें नया उल्लास प्रदान करती है। और ख़ास तौर पर सरस्वती पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हम इसे बहुत ही अच्छे ढंग से हर वर्ष मनाते हैं, ताकि हम समाज से जुड़े रहें एवं प्रौद्योगिकी विकास भी होता रहे। महात्मा गांधी के स्वस्थ भारत का सपना पूरा करने में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से भारत अभी जल्द ही नंबर 1 पर होगा स्वास्थ्य के
और सफाई के संबंध में। और आगे का पोस्टर हमें मातृभूमि को प्रेम को प्रकट करता है और हमें देशभक्ति को परिचित कराने के उद्देश्य से बनाई गई है। चूंकि इस वर्ष का हमारा थीम है सेव वाटर सेव लाइफ, जिसे न सिर्फ खुटरी ग्राम बल्कि समस्त झारखंड, भारत एवं विश्व लाभान्वित होगा। इस प्रोजेक्ट के पोस्टर की वजह से बहुत से ग्रामीण छात्र बच्चे जल संरक्षण की दिशा में उत्साहित हुए हैं, जिसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो हमें जल संसाधन के उपयोग, बचत एवं इसके प्रदूषण न करने एवं सुउपयोग के लिए बाध्य करते हैं। जिसमें हमें यह भी बताया गया है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, और जल संरक्षण बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही जरूरी है। इस पोस्टर का पहला तथ्य हमें बताता है कि दुनिया में पीने योग्य जल ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। वहीं दूसरा तथ्य हमें बताती है कि एक रोटी का टुकड़ा फेंकना हजारों लीटर पानी बर्बाद करने के बराबर है। अतः निवेदन है कि खाने योग्य एवं खाद्य सामग्री को बर्बाद न करें। वहीं तीसरा तथ्य हमें बताता है कि अधिकतम वर्षा वाला स्थान भारत में ही अवस्थित है, परंतु भारत के बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा जल की किल्लत महसूस की जाती है। और जल संरक्षण के बारे में एक अलग पॉइंट है कि अगर भारत में शिशु मृत्यु दर को रोकना है तो इसके लिए शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। और इसके ही क्रम में अगला पोस्टर भी हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है, जिसमें पहला जानकारी है कि भारत की अधिकतम मात्रा जो जल है वह अशुद्ध है। वहीं दूसरा तथ्य हमें बताता है कि हमारा जो कॉलेज का निकटतम नदी दामोदर नदी है वह यहाँ के कारखाना के वजह से बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है, एवं देश में भी इसका प्रदूषण में महत्वपूर्ण नाम है। अतः इसका पुनरुद्धार बहुत ही आवश्यक है एवं इसके लिए हम अपील करते हैं। वहीं इसका तीसरा तथ्य बताता है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल की कुल जल की मात्रा 1% से भी कम है। और चौथा तथ्य हमें बताता है कि जल को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जल्द ही ऐसे 50 देश सामने आएंगे जहां पर जल की भयावह समस्या उत्पन्न होगी। और अगर हम एक अच्छे नागरिक की तरह कार्य करते हैं तो भारत वो उन देशों में शामिल नहीं होगा जहाँ जल की भयावह समस्या उत्पन्न होगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि जल का कम से कम उपयोग करें एवं इसे बचाने पर जोर दें। वहीं अगले पोस्टर के कुछ तथ्य हमें बताते हैं कि गंगा नदी भारत में अस्तित्व खोती जा रही है एवं उन 10 नदियों में शामिल है जिनका अस्तित्व खतरे में है। अतः गंगा नदी की सफाई बहुत ही जरूरी है एवं टपकते नलों को ठीक कराने के भी अपील की गई है। हमें जल की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि 75% लोग को जल शुद्ध मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन शाम के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।